अलाउद्दीन का चिराग, खुश मजा, खुश मजा। ईरान के बारे में सुना है? हाँ, ईरान का नाम सुना है। हमारे गांव में वहाँ मजा आ रहा है ईरानी बाबा, हो सकता है ईरान का कोई बंदा आया हो यहाँ पे। सर मैं ईरान शहर तक गया था। तेहरान? तेहरान जी। इतना सर साफ सुथरा, इतना इसकी रोड है, देखो मैं समझता हूँ जन्नत है। आज आप लोग ईरान के खाने खाएंगे? पड़ोसी मुल्क के खाने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं फैसन जॉन, हमारे यहाँ गाँव में बिजन जो, उससे लिया गया। चावल है ये तो पानी में उबले हुए, लेकिन तड़के वाले चावल जो है वो हम आम के साथ खाते हैं। तुमने खाया है ये वहाँ पे? ये नहीं खाया है। तो फिर क्यों कह रहे हो? ये बड़ा इसका प्रोफेशनल है, हम छोटे छोटे मुल्कों में गए थे। इसमें अखरोट का तेल भी शामिल है। अखरोट? मुझे भी लग रहा था कि घी का जो जायका है वो चेंज चेंज है, इसको भी धोया गया है उसी अखरोट के गैस से। हाँ, इसको तेल निकालो, बाकी ये इधर डालो, फिर आप खाते रहो, बच्चे देखते रहिए। मेरे इसके साथ मिला के चावल के साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसे खाली? ऐसे खाली बच्चा। तो फिर दोनों की तारीफ करे, एक की क्यों कर रही है? दोनों की करे, दोनों खा रही है। उठाई बोटी और तारीफ कर रही है चावलों की। उनकी एक रिवायत है जिसे तारुफ कहते हैं। तोरो तोरो नाड़ी तारो। जैसे कि आप कहीं पर मेहमान हो, आपके मेजबान आपको कुछ खाने पीने का पूछे और आप उसे मना करते हैं, पर वो फिर भी इसरार करें और चाय का पूछेंगे, इसे तारुफ कहते हैं। भाई जो रोटी तैयार है, अगर मेहमान नवाजी करना चाहता है तो गोश्त लेकर आओ, नहीं है तो सब्जी, तो सब्जी बना के लाओ, तो उसे नहीं पूछो। पहले वाले वहाँ प्याला होता था, जो छोटा सा प्याला नहीं होता है चाय, उसमें पिया जाता था। जब तक वो मेहमान उसको उल्टा नहीं करता था, ये बाउल है जैसे, तब तक उसको चाय डालते थे। जब उसने कहा उल्टा कर दिया, फिर उसको समझ गया भाई अभी मेहमान नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। बहुत से बहुत अच्छा लगा, सिर्फ इसका ये सालन नहीं लगा क्योंकि इसमें खास तेल डाला। सादा चावल थे लेकिन गोश्त जो बना हुआ था, मैं सुनता हूँ अखरोट के साथ, वो इंतहाई ज़बरदस्त। सर मैं कहूँगा ये शाही खाना है, गरीबी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके स्टाइल, इसका बनावट वेरी शाहाना अंदाज में है। ये है तादिक। तादिक दिक दिक तादिक तादिक ता था था दिन दिन था तक दिन था दिक दिक कह तो चुमटो उठान दिक। ता मतलब निचला हिस्सा और देख मतलब पतीला या देख। मैंने देख का ता। अच्छा, देख के अंदर पकाते पर उल्टा रखते क्या? ता देख के। ये हम लोग ज्यादा चाय के साथ सुबह की ठीक शाम से। हम हमारे चावल बनाते हैं ना, तो वो जब दब के टाइम ये ज़रूर लगता है, कर्रों किसे कहते हैं, फिर कर्रों के लिए लड़ते हैं, छोटे छोटे जो हम थे, फिर हम इसको बांटती और किसी को थोड़ा थोड़ा करके दे देती। तादिक की शुरुआत ऐसे हुई कि पहले बादशाह को ऊपर ऊपर के चावल पेश किए जाते थे और बचे हुए निचले हिस्से के चावल गुलामों को दे दिए जाते थे। एक बार गुलामों ने चावलों के निचले हिस्से खाने से इनकार किया, तो बादशाह ने फिर चावलों का निचला हिस्सा मंगवा कर खाया, उन्हें पसंद आया और रोज खाने लगे। अगर आजकल के बादशाह होते तो करों समेत चावल को लेकर जाते और प्लेट भी नहीं छोड़ते घर में। ईरान की बिल्लियां दुनिया भर में बहुत मशहूर है। बिल्ली ऐसे लग रही कोई मूंछों वाला आदमी। ये सिर्फ पालतू है हमारे, है ना, न चूहों को छोड़ते हैं, न सांप को छोड़ते हैं, घर को साफ करते हैं, मैंने कीड़े मकोड़े से। सर हमारे यहाँ बिल्लियाँ छोटे छोटे होते हैं, इतने बाल वाले नहीं होते हैं, उसके बाल असल में हमारे पास अच्छे अजाम है, वहाँ पे अजाम नहीं होंगे। तो फिर 50 बार क्यों खा चुकी है? इसे कहते हैं गोरमे सब्जी। गोरमेंट सब्जी। मैं कह रहा हूँ कि गोश्त को नस्वार के साथ क्यों उबाला है? नहीं लाए ली। ऐसे लग रहा है जैसे एक तो पालक तड़के में भी बना सकते हैं हम, खाली पानी में उबाल के, लेकिन ये मुझे लग रहा खाली जो कच्ची थी वो पीस पीस के उसको जोर जोर से फिर अंदर डाल के दी, ऐसे लग रही।
ये ईरान का कौमी खाना है। अच्छा, कौमी डिश है इसका। लेट्स ट्राई। हाँ, इसे कहते हैं बकरी का गोश्त। चीज बहुत अच्छी है। पालक नहीं डालते हैं फिर तो अच्छी नहीं। नहीं, पालक के साथ इतनी मजा कर रही है। ईरान में एक सकाफत है जिसे कहते हैं पहलवानी और जुरखानी, माने मुकाबला कुश्ती। उनकी ट्रेनिंग कुछ मुख्तलिफ होती है। ईरानी सर्कस वाला जो हम सुनते आ रहे थे कि वो ईरानी सर्कस। लड़के से घुमाता है चार मुतले। हमारे लिए अभी देख रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन ये एक डंडा हमारे से ऊपर नहीं होगा। और उनके दोनों हाथों में वो डंडे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। इसने तो 40 किलो था। ये तो बड़ा है, बड़ा हो गया। बच्चे में से ये बूढ़ा कैसे हो गया? नहीं, वो बच्चा ये रहा, वो बूढ़ा दूसरा था। जो हमारे यहाँ एक होता है मल, एक होता है कोडी। हमारे यहाँ जो कल्चर में कोडी ज़्यादा मशहूर है। कोडी कोडी एक 10 ग्रुप 10 मंदिर से 10 उधर से होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। ऐसे खाने खाएंगे तो ताकत है, जब भी तो कैसे नाचते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहतर से बेहतर बना इसने। जबरदस्त जबरदस्त फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। अलाउद्दीन का चिरा। इसे कहते हैं पर्शियन टी। ये चाय मतलब खाने के बाद चाय। आप इस कप में चाय डालेंगे और इस चीनी को मुंह में रखेंगे। ओ, ये कौन सा नया तरीका है? सर, मैं इस तरह खाया हूँ, मुझे ये मालूम है। ऐसे जैसे बिस्कुट खाते हैं चाय की तरह। हाँ, ऐसे समझती है। अच्छा, सुलेमानी चाय। जी नाजरीन, हम ईरानी चाय ट्राई करें जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा बताओ, मेरी किटली कैसी लगी आप? ये चीनी दी है पत्थर का टुकड़ा। ईरान ने हाथ से तैयार करदा सबसे बड़ा कालीन अबू धाबी की मस्जिद के लिए बनाया था। मस्जिद का जो डिजाइन है, कलर है, उसी कलर पे वो गालीचा बना हुआ है। ये फ्री में बना कर दे दिया होगा अल्लाह के घर के लिए। ये चाय खासकर हमारे इलाके में पठान लोग पीते हैं। सर, चाय फैंटास्टिक, वेरी टेस्टी, बेहतरीन, जबरदस्त। हमारे सुलेमानी चाय नंबर वन। उनकी जबान में क्या बोलते हैं ईरान की जबान में? खुश मज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान के लिए एक लफ्ज कहूँगा, ईरान हमारे पड़ोसी है, हमें अच्छे अच्छे सामान देते हैं, सस्ता देते हैं, मगर उसका शुक्र गुजार वो अपने आवाम कितना खुश रखा है, मैं उसको सलाम करता हूँ। हमने तो बहुत ही ये खाने खाए हैं, हमारे को बहुत अच्छे लगे। हमारी वो दुआई है तो ऐसे ही खाने हुए, हम तो ऐसे ही ट्राई करते रहे। सर, मैं समझता हूँ उनका कल्चर हमसे काफ़ी मिलता जुलता है खाने के अलावा भी। जी नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमने एक स्कूल खोला है लड़कियों के लिए, आप लोग हमारे साथ ताबुन करें। ईरान में कहते हैं बी उम्मीद दीदार, जिसका मतलब है उम्मीद है फिर मिलेंगे। भाई माना बे उम्मीद मफेज दीदार, माना दीदार से बे उम्मीद मत होना। नहीं सर, ऐसा नहीं कहता है। हाँ, उम्मीद करते हैं दोबारा मिलेंगे। हाँ, बे उम्मीद दीदा। पता नहीं कौन सा लफ्ज़ है।